पंडित अशोक महतो। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी संविदा और सोचेंगे दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले अस्थायी एवं कच्चे कर्मचारी हैं, इन लोगों के लिए जो है आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को जो है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप सभी लोगों के नियमितीकरण के संबंध में जो है केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा जो है पॉलिसी लाने का जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इससे फ्रेंड्स जितने भी संविदा कर्मचारी हैं इन सारे लोगों का जो है नियमितीकरण कर दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी विभाग में कार्य संविदा और सैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जैसे कि पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, पीआरडी, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग, अनुदेशक वगैरह, जो भी आप संविदा और सोचिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इस पॉलिसी के तहत जो है आप सभी लोगों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स आप लोगों को बता देते हैं ये कौन सी पॉलिसी है और इसका लाभ जो है किन कर्मचारियों को मिलेगा और इसमें जो है क्या रूल एंड रेगुलेशन है और ये पॉलिसी जो है कब तक लाया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में जो है आज के इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अभी जो है कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा जो है नियमावली 2024 लागू कर सभी राज्यों के जो भी संविदा और सोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले अस्थायी या कच्चे कर्मचारी हैं, इन सारे लोगों का जो है नियमितीकरण करने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स इसमें जो है ये शर्त रखी गई थी कि जिस भी कर्मचारी की ज्वाइनिंग 10 वर्ष हुई है उन्हीं सारे लोगों को जो है केवल और केवल परमानेंट किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इस संबंध में जो है केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के सीएम को बुलाकर इस बात पर सहमति बन चुकी है और 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में जो है इन संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी कच्चे या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांगा जाएगा और 15 दिसंबर तक जो है इन लोगों के नियमितीकरण का लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसी संबंध में जो है और जो भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी कच्चे या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी 3 वर्ष हुई है, 5 वर्ष हुई है, 8 वर्ष या 7 वर्ष हुआ है, इन सारे लोगों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन ज्ञापन वगैरह जो है सौंपा जाना शुरू हो गया था। और देखिए फ्रेंड्स इसी संबंध में जो है केंद्र सरकार द्वारा इस बात का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, अब जिनकी भी ज्वाइनिंग 5 वर्ष हुई है इन सारे लोगों का भी जो है नियमितीकरण किया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा जो है ये कदम इस वजह से उठाया जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है और देखिए फ्रेंड्स केंद्र सरकार जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इस बार जो है इसकी छवि खराब हो। तो आप लोगों को बता दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि इसकी जो है सभी राज्यों में सरकारें बने। और देखिए फ्रेंड्स इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है ये काफी बड़े बड़े राज्यों में होने वाला है, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी समेत जो है ऐसे काफी बड़े राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी संबंध में फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा जो है ये पॉलिसी लाई जानी शुरू हो गई है और देखिए फ्रेंड्स इस संबंध में जो है सारा दस्तावेज वगैरह तैयार भी कर लिया गया है और इस पॉलिसी का नाम है रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2024। यानी कि इस पॉलिसी के अनुसार जो है जितने भी संविदा और सोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या कच्चे कर्मचारी हैं या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर इनकी ज्वाइनिंग 5 वर्ष हुआ है तो इन सारे लोगों को जो है 58 साल के लिए नियमितीकरण इन लोगों का कर दिया जाएगा। यानी कि जिस भी संविदा और सोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे या अस्थायी कर्मचारी की ज्वाइनिंग अगर 5 वर्ष हुई है तो इन सारे लोगों को जो है अब 58 वर्ष तक कोई भी नहीं निकाल सकता है। इसी वजह से फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा जो है इस रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2024 को लाए जाने की जो है प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस संबंध में जो भी दस्तावेज वगैरह है ये सारा चीज जो है तैयार कर लिया गया है और जल्द ही जो है इनके द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि इस रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2024 को लागू कर जितने भी संविदा और सोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी कच्चे या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं जिनकी ज्वाइनिंग 5 वर्ष हुई है इन सारे लोगों का जो है नियमितीकरण कर दिया जाएगा और 58 वर्ष तक जो है इन्हें कोई भी इनके विभाग से नहीं निकाल सकेगा। और देखिए फ्रेंड्स इसके साथ में जो है इनके द्वारा ये भी चीजें बताया गया कि ये जो नियमितीकरण या आउटसोर्सिंग पर भर्तियां की जाती है इसका जो है संविधान में किसी भी तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसी वजह से फ्रेंड्स इनके द्वारा जो है इस कदम को उठाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और देखिए फ्रेंड्स इसके साथ में जो है आप लोगों को ये भी चीजें बता दें इन कर्मचारियों को जो है अब नियमित कर्मचारियों के समान मानदेय भी देने की बात की गई है। यानी कि फ्रेंड्स इनके द्वारा जो है इस बात का अनाउंसमेंट किया गया है कि जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जो भी सुविधा दी जाती है
इन सारी प्रकार की सुविधाओं का लाभ जो है इन कर्मचारियों को मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है यह भी चीजें बताया गया कि जिस प्रकार राज्य कर्मचारियों के मानदेय में साल में दो बार वृद्धि की जाती है, उसी प्रकार जो है इन सारे कर्मचारियों के मानदेय में भी जो है साल में दो बार वृद्धि की जाएगी। और इस संबंध में जो है इनके द्वारा मंथ भी अनाउंसमेंट किया गया है कि जनवरी और जुलाई के मंथ में जो है इन संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, अब जो है आप किसी भी विभाग में समझा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतन भोगी कच्चे या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर आपकी ज्वाइनिंग हुए 5 वर्ष हुआ है तो आप लोगों को जो है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग परमानेंट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं। केवल और केवल इसके लिए शर्त यही होनी चाहिए कि कम से कम जो है आपकी ज्वाइनिंग हुए 5 वर्ष होनी चाहिए, तभी जो है आप लोगों को इस पॉलिसी का लाभ मिल पाएगा, वरना फ्रेंड्स आप लोगों का जो है नियमितीकरण होने से आप वंचित रह जाएंगे। इसी वजह से फ्रेंड्स इसमें जो है यही रूल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है कि जिस भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके या कच्चे कर्मचारी द्वारा जिनकी ज्वाइनिंग हुए 5 वर्ष हुआ है, उन्हीं लोगों को जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2024 के अकॉर्डिंग परमानेंट किया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स ये जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है काफी अच्छा कदम उठाया जा रहा है और इसका लाभ जो है भारत के सभी राज्यों के कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे आप किसी भी विभाग में या किसी भी राज्य में कार्यरत कर्मचारी हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा जो है केंद्र सरकार द्वारा इस वजह से ये कदम उठाया जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स अगर देखा जाए पूरे भारत में तो जो भी कच्चे कर्मचारी अस्थाई ठेके या संविदा आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनकी संख्या जो है काफी ज्यादा है और इनका जो है वोट बैलेंस भी काफी ज्यादा हो जाएगा इस पॉलिसी का लाभ सभी कर्मचारियों को देने से। इसी वजह से फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा जो है ये कदम उठाया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता है तो अब जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी अस्थाई या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन सारे लोगों को जो है अपने अपने राज्यों में राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा और राज्य सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है इन सारी सुविधाओं का लाभ इन सारे लोगों को मिलेगा।